चक्र में उत्तर काफी छोटे रखेंगे। हिमांशु जी, पहले आपके पास आता हूं। आज आपके सामने एक नई थ्योरी रखता हूं सर। मैं नई थ्योरी निकल के आनी शुरू हो गई है। जब मैंने खुद इसको जब प्रपोंड किया था तो मैंने कुछ आरएसएस के लोगों से बात की, पिछले हफ्ते की बात है। वो सुन के इस बात को चौंके तो कहते हैं हम इस पर विचार करेंगे और विचार करके आई विल गेट बैक टू यू। मैंने कहा था कि भारत में सरसंघ चालक कौन है, तो कहते हैं मोहन भागवत है। मैंने कहा नहीं, भारत में सरसंग चालक नरेंद्र मोदी है। वो सरसंग चालक भी हैं और वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो कहता मोहन भागवत कौन है, मैंने मोहन भागवत उनका एक मुखौटा है जो कभी कभी बाहर आते हैं, उनको कहते हैं कि आके कुछ बोलो और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं प्रवचक के रूप में। सर पूरी आरएसएस मोदी जी के अंडर में है, वाइस चांसलर हो, गवर्नर हो या फिर कोई भी पोस्ट हो। जो लेटरल एंट्री गवर्नमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी की आई थी वो कौन थे, कभी सोचिएगा सर, वो सारे आरएसएस के आदमी थे। गांधी प्रतिष्ठानों के चीफ कौन है, आरएसएस है। इन नियुक्तियां की किसने है, ये मोहन भागवत ने नियुक्ति नहीं की है, ये नियुक्ति सारी की सारी सो कॉल्ड नरेंद्र मोदी ने की है। मैं ये मान के चलता हूं आज की डेट में, भले ही आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभा लगेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगेगा, कि भारत में सरसंघ चालक मोहन भागवत नहीं है सर, भारत के असली सरसंघ चालक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो होता है और वो डायरेक्शन देते हैं आरएसएस को तुम्हें क्या करना है। वो मोहन भागवत के कहने पर नहीं चलते हैं सर। इट मे लुक ऑकवर्ड बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द रियल थिंग, व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ ही इज कैलिब्रेटिंग द थिंग्स ऑन ग्राउंड। हिमांशु भयानी जी अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए आपने जो बात कही उसमें तथ्य क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब यहाँ पे रक्षा सहायक नाम की स्कीम, यानी कि पुलिस में आप एक फिक्स पे में लोगों को लेंगे बॉटम लेवल की पोजीशंस में, पीएसआई वगैरह जो होता है, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल, उसमें जो भर्तियाँ की जाएगी, तब उस समय के जो डीजी थे उन्होंने कहा था कि ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि आपने शिक्षा सहायक किया था, मतलब आपने टीचर्स को एक 5 इयर्स के एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे लिया, बाद में उसको परमानेंट करने की बात की जिसमें ना कोई पेंशन है। बोले टीचर को गांव में कोई घर भी दे देता है, लेकिन ये रक्षा सहायक की जो बात है, ग्राम रक्षक दल का हो या कोई भी हो, उसको कोई गाँव में घर भी नहीं देगा इस सैलरी में, और इस सैलरी में वो करप्शन करेगा। तब ये बहुत ही चर्चा का मुद्दा बना था गुजरात में कि ये स्कीम क्यों लाई जा रही है। तो ये स्कीम इसलिए लाई जा रही थी, तब ये बात बहुत सारे मतलब सिविल सोसाइटी के गलियारों में सब जगह पे इसकी चर्चा हो रही थी कि ये स्कीम इसके लिए लाई जा रही है ताकि इसमें ज्यादातर जो भर्ती की जाए उसकी जो पॉलिटिकल लीनी है जो, या इनकी जो पॉलिटिकल विचारधारा वो संघ से मिलती जुलती हो और संघ वाले लोगों को ही मतलब इसमें भर्ती किया जाएगा। पूरी की पूरी जो पुलिसिंग सिस्टम है यहाँ पे मतलब उस तरीके से ला के रखा गया कि आप FIR नहीं लिखेंगे, आप एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के ऊपर से क्राइम डिटेक्ट किया जाएगा, अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हो पा रहा है तो FIR में कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से आपने मतलब ये दिखाया कि ये हमारा जो जो प्रकल्प था वो सही जा रहा है, क्योंकि आप क्राइम रेट NCRB FIR के डेटा पे चलती है, एप्लीकेशन के डेटा पे तो चलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी, तो आपको जिसने भी ये बात कही है वो बिल्कुल सही है कि कुछ हद तक जो निर्णय है वो संघ के भी, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी संघ में से आ रहे हैं, वो संघ के प्रचारक थे और संघ पे धीरे धीरे उन्होंने जिस तरीके से कब्जा किया है, जिस तरीके से उन्होंने, देखिए नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कंपटीशन से फायदा उठाने का है। अब संघ में जो कंपटीशन थी उसका भी उन्होंने फायदा उठाया है, बीजेपी के अंदर भी जो कंपटीशन थी उसका भी फायदा उठाया। सभी वरिष्ठ पैनल के जितने भी यहाँ पे सदस्य उन्होंने यही बात कही कि मोहन भागवत जी कहाँ थे जब भी ये बातें हुई थी, या ये जो बिहेवियर किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जब वो जिन्ना की मजार पे जो कहे थे, क्या ऐसा बिहेवियर आप कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। संघ तब कहाँ पे था जब आपने एक मार्गदर्शक मंडल बना के सभी सीनियर जो थे जिन्होंने ये 17 साल में जिस तरीके से इस देश को आगे लाए है वो पूरे के पूरे मतलब उसको आपने एक खत्म कर दिया है, उस लीडरशिप को, उस गाइडिंग फोर्स को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि 17 साल में अगर बीजेपी यहां तक पहुंची है तो उसमें उन लोगों का भी तो मतलब योगदान है ना, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या मुरली मनोहर जोशी जी हो या जसवंत सिन्हा हो या यशवंत सिन्हा हो, जो भी वरिष्ठ नेता थे,
उन सबका योगदान है। तो उन सबको जब दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया पिछले 10 सालों में, तब संघ कहाँ था? और जेपी नड्डा कैसे बोल सकते हैं कि हमको संघ की जरूरत है, और उसके बाद भी संघ कुछ नहीं बोले? तो ये एक पूरा का पूरा फिक्स गेम है, वही मैं बता रहा था कि पूरा एक डिसेप्शन है, मोड ऑफ डिसेप्शन है। तो इतना कह के मैं अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जो आपको इंटेलिजेंस मिला है उससे जी, कि सरसंघ चालक मोहन भागवत